ओबीसी आयोग अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन एक चाय की टपरी पर चाय बनाते, आवाज लगा के लोगों को बुला के चाय पिलाते नजर आए हैं। क्या इसके पीछे, देखें आप। स्टोव पर चढ़ी गंजी और उसमें उबलता दूध, दूध को करछन से चलाते बालाघाट विधायक और पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन। ये तस्वीरें बालाघाट के लाल बर्रा की हैं, जहां गौरीशंकर बिसेन इन दिनों विकास यात्रा पर हैं। इस दौरान एक बार फिर से गौरीशंकर बिसेन का ये देसी स्वरूप नजर आया। आप देख सकते हैं कि ग्राम लाल बर्रा की एक चाय दुकान पर गौरीशंकर बिसेन खुद ही चाय वाला बनकर चाय बनाते नजर आए। इस दौरान बिसेन ने आमजनों से बात की। इतना ही नहीं, बिसेन ने चाय वाले की तरह चाय चाय की आवाज लगाकर लोगों को बुलाया भी। इसी बीच उनके साथ आए समर्थक चाय वाला मोदी और चाय वाला गौरी भाव के नारे लगाने लगे। बीजेपी के विधायक इन दिनों अपने अपने क्षेत्रों में विकास यात्रा के माध्यम से गांव-गांव पहुंच रहे हैं और सरकारी योजनाओं का प्रचार कर रहे हैं। रही बात गौरीशंकर बिसेन की, तो वो पहले भी अलग अलग अंदाज में लोगों के बीच में नजर आ चुके हैं। कभी पगड़ी पहने घोड़े पर बैठकर नाचते, तो कभी ट्रैक्टर चलाते। तो पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन की तस्वीरें आपने देखी हैं, और जैसा हमने रिपोर्ट में बताया, पहले भी वो कई बार अलग अलग अंदाज में दिखते हैं। क्या है इन पॉलिटिकल स्टंट के मायने, कितना असर डालता है, रिकॉर्ड करते हैं। आप इसे भारतीय राजनीति की विडंबना ही कहेंगे कि हमारे नेता और जनप्रतिनिधि लोकप्रियता का कोई अवसर छोड़ना नहीं चाहते, बल्कि अब तो नए नए मौके खोजते हैं, भले वो विकल्प सस्ता ही क्यों ना हो। इसके लिए कुछ भी दिखाते या दिख सकते हैं और कुछ भी कह सकते हैं। समझ में ये नहीं आता कि चाय चिल्लाकर या चाय बनाकर क्या सिद्ध करना चाहते हैं गौरीशंकर बिसेन। उन्हें विकास यात्रा के दौरान लोगों को यह बताना है कि लोगों की दिक्कतें क्या हैं, ये बताना है कि योजनाएं अब तक पहुंची और नहीं पहुंची तो क्यों नहीं पहुंची, उन कारणों को ढूंढना है, क्षेत्र की समस्याओं को जानना समझना है। बिसेन जी घोड़े की सवारी करते हैं, कहीं चाय बेचते हैं, कहीं ट्रैक्टर पर बैठकर खेती करते। इसे आप हल्का या और थोड़े सस्ते हम शब्दों में कहें तो मस्करापन कई लोग कह सकते हैं। ऐसे मुद्दे पर और गंभीर समस्याओं पर नेताओं की तवक्को, लोगों की उम्मीदों का खरा उतरना कहीं ज्यादा जरूरी। वैसे ये सच है कि एक वर्ग ऐसा है जो नेताओं के ऐसे पॉलिटिकल ड्रामे के प्रभाव में आता है, और जब तक ये होता रहेगा तब तक संभवतः नेताजी का ये अंदाज हमको देखने को मिलेगा। लेकिन क्या ये लाइट मूड, ये लाइट अंदाज लोगों की समस्या हल कर सकता है? क्या वाकई लोगों के दिलों में इतना घर कर सकता है कि लोग विकास यात्रा के मुद्दों को छोड़कर इसके ऊपर नेताजी का साथ दें? ये नेताजी को भी सोचना है और लोगों को भी देखना है।